हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फेरोज कुकिंग। आज हम मुंबई स्पेशल वड़ा पाव किस तरह हमारे घर में बनाना की देखेंगे। आज हम महाराष्ट्र स्पेशल वड़ा पाव, मुंबई स्पेशल वड़ा पाव बनाएंगे। ये वड़ा पाव बनाने के लिए इस कप से 1.5 कप चना का आटा, दाल को अच्छे से छान लेना झल्ली में। छान लेने के बाद ये आटा अच्छा होना बोले तो, कुरकुरा अच्छा आना बोले तो इनका, इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डालना। ये ऑप्शनल है, ये डाले तो वड़े बोलने के कुरकुरे होते। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेना। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल लेना, इसमें अच्छा कलर आना बोले तो जरा हल्दी डालने को। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल को, थिक कंसिस्टेंसी में, आटा पूरा पतला नहीं, पूरा घट्टू नहीं बोले सर का, हमें बज्जिया की वैसा आटा मिला लेते रहना। जरा जरा पानी डाल को मिला लेना। हमारा आलू बैटर रेडी हो चुका है। इस कंसिस्टेंसी में, थिकनेस में, पूरा थिकनेस नहीं है ना, पूरा सॉफ्टनेस नहीं है ना, ये वीडियो में दिखाते सो इस कंसिस्टेंसी में है ना। बाहर के सर के वड़ा पाव बनाने के लिए इसमें एक हम सीक्रेट रेसिपी डालेंगे, वो क्या कि देख लो हमारा आ गया ये सीक्रेट रेसिपी। ये बेकिंग सोडा है, घर में डाल लेते सो सोडा ये। इसमें 1/4 टेबल स्पून सोडा डालना। अब इसमें 1 टेबल स्पून गरम हुआ तेल डालना हमें। ये गरम तेल डालने से टेक्सचर, ये छोला पोड़ी डाले होते ना हमें, ये अच्छा फूल को, आटे को एयर बबल्स कर को अंदर है सो सोपी अच्छा पक जाता है। आलू बोलने का हमें करते सो वड़ा पाव, ये टेक्सचर को सोप डाले बाद एक बार अच्छे से हला लेना। हला ले को इसे 10 मिनट तक बाजू को रख डालना। आलू वड़ा बनाने के लिए वड़ा पाव में हम आलू 4 ले को, इस आलू को अच्छे से 2 या 3 विजिल्स में नरम से उबाल ले। उबाल ले को इसको अच्छी तरह से इस तरह मैश कर लेना। ये सब मैश कर ले तो हमारे आलू अंदर गोल 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 को कच्चे कच्चे नहीं रहते, अच्छे से पको, टेस्ट टेस्ट रहता है उसको। इसको किस तरह मैश कर लेते हैं कि उस तरह मैश कर लेना। ये आलू गरम पो गरम नहीं करना, ठंडा हुए बाद कर लेना। कई को बोले तो गरम पो गरम कर ले तो इसमें है सो पानी छूट को सीधा नहीं आता। ये आलू वड़ा बनाने के वास्ते उसमें एक स्पेशल ग्रीन चटनी मिक्स करते हैं। वो स्पेशल ग्रीन चटनी क्या की देखेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च को बीच में इस तरह बारीक से कट कर लेना। 5 से 6-7 लहसुन के टुकड़े कट कर को डाल लेना। 1 छोटा अदरक का टुकड़ा इस तरह बारीक पीसेस में कट कर को डाल। थोड़ी कोथिमीर भी इसमें डाल लेना। डाल ले को 1 या 2 टेबल स्पून वाटर डाल को बारीक खद्दर बिद्दर इसको पीसना, लाइक ग्राइंड कर लेना, इसको कोर्स से ग्राइंड कर लेना। आलू मसाला बनाने के वास्ते चूल्हे पर हम कड़े रख लिया, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालना। गरम हो चुका है, इसमें 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, ऐसे ज़रा मिक्स कर लेना। इसमें 1/4 चम्मच हींग डालना। ये हींग डाले तो फ्लेवर बोलने का अच्छा आपको टेस्ट बताइए। इसको लाइट से हला लेना, मीडियम टू लो फ्लेम में रखो इसको पका लेना, नहीं तो ये दाने जल जाते। भून लेना। ये भून लेने के बाद हमें पीसे हुआ सो मिक्सचर इस तरह वीडियो में दिखाते हैं सो कंसिस्टेंसी में रहना। कोर्स कोर्स इसको निकाल को हमें इस ऑयल में डाल को अच्छे से मिक्स कर लेना। इसको हल्का हल्के से अच्छा मिक्स कर लेना। इसमें हाई सो वाटर पूरा अब्जर्व हो जाको, ये टेस्ट बोलने का, तेल में अच्छा भुने जाना। ये भुने बाद इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी डालना। 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून धनिया काटा डाल को इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद हमारा पोटैटो है सो, ये आलू उबाले हुए सो हमें इसमें डाल को अच्छे से और एक बार मिक्स कर लेना। 1/2 टेबल स्पून नमक डाल को अच्छे से मिक्स कर लेना। बोलने का जरा घट पड़ना,
वाटर पूरा अब्जर्व हो जाको, घट्ट है तो हम ना को वड़ा पाव बोलने के अच्छे कंसिस्टेंसी में आती। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। हमारा आलू मिक्सचर रेडी हो को है। इसको ठंडे होने के लिए 10 मिनट तक बाजूक रख डालेंगे। आलू चूरा बनाने के वास्ते ये भिगाले हुए सो चने काटे के बाद निकाल को इसको हल्के से हम ऑलरेडी आयल डीप फ्राई को रखें, इसको हल्का मिक्स कर ले को, ऐसा मैं वीडियो में दिखाया सर का, ऐसा हल्के से डिप कर ले को छोड़ लेना। इसे आलू चूरा बोल को बोलती ऐसा। ये इसमें पे ये चूरा मिक्स से हम रेड चटनी बनाती। ये चटनी बोलने का वड़ा पाव में सुपर टेस्ट देता है। वो चटनी कैसा बना के भी दिखा तू, मैं फर्स्ट चूरा पाव को जानी। चने काटा का चूरा रेडी हो को है। इससे हम लाल मिर्च लाल चटनी पीसेंगे और हम इसमें थोड़ा गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च को इस तरह 20 में कट कर लेना। कट कर ले को ये तेल में हल्के से भून लेना ताकि ये मिर्ची खाने में मज़ेदार हो। हमारी मिर्ची तले हुई रेडी में है। इसको हम बाजू प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसका सूखी लाल चटनी बनाने के वास्ते हमने लहसुन के पोतियाँ को तेल में ऑलरेडी वो चूरा तले सो इसमें चू तले बाद उसमें तले को इसमें डाल लें। वो अब हम तक चूरा पीस लेने, वो चूरा कह के एक कप को इसमें डालना। डालने के बाद 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालना। ये हमें कितना ये कर को डालते हैं कि इसका कलर आता है। स्वाद अनुसार नमक डालना। डालने के बाद हमें फल्ली को तेल में भून ली, ये 1-2 टेबल स्पून है, ये भी इसमें दाल डालना। दाल को कोर्स से खतर बितर इसको पीस लेना। ये हमारा सूखा मसाला पीस को रेडी है। तरह वीडियो में दिखाते सो कंसिस्टेंसी में रफ एंड टफ में कोर्स से ग्राइंड कर लेना। हमें हरी चटनी पीसने के वास्ते 1 कप कोथिमीर अदरक को इस तरह बारीक से टुकड़े कट कर लेना। 1 से 2-3 हरी मिर्च को इस तरह बारीक से कट कर लेना। मैं तो 3 हरी मिर्च के टुकड़े ली हूँ। इसमें आधा नींबू डालना, निचोड़ना बारीक अच्छे से इसे। बाकी ये चटपटा दिखने खाने में चटपटा लगा रहता है। 1/4 टेबल स्पून नमक डाल लेना। 1 टेबल स्पून वाटर डाल को बारीक से ग्राइंड कर लेना इसको। इस तरह हमारी हरी चटनी रेडी हो चुकी है। ये लाल चटनी को हम 15 दिन तक स्टोर कर को खा सकते हैं, जिसको हम खाने में या रोटी में भी खा सकते हैं। इसे हमने चूल्हे पर तेल को डीप फ्राई के लिए आलू वड़ा डीप फ्राई करने के वास्ते तेल को रखा है। ये हल्के से गर्म होता है। हमें आलू वड़ा पाव बनाने के वास्ते इस तरह हमने थोड़े आलू मिक्सचर को इस तरह लेके आप गोल गोल में हंदे बना ले सकती, नहीं तो इनका ऐसा स्क्वायर शेप में हंदे बना ले सकती। इस तरह भी हंदे बना लिया, हमने पसंद है सो ऐसा बना ले को रख लेना। इसको हल्के से हमें आयल गरम हुआ सो इसमें ऐसा हल्के से इस तरह छोड़ लेना। बाकी के इस तरह से तरह हल्के से डाल देना। हमारे वड़ा पाव को इस कंसिस्टेंसी में ऑयल में डीप फ्राई कर लेना। हमारे वड़ा पाव में के पाव वड़ा रेडी हो को है। इस तरह हमने डाल लिए हैं। अब इसको वड़ा पाव में कैसा रखना की देख लेंगे। ये बेड्स बाहर मिलती हैं। ये खोवा बन खाने के बेड्स भी रहती हैं, वड़ा पाव के भी रहती, जो भी पूछे तो वो बाजार में मिलती। हमें बर्गर बेन्स बोल को लाली, हमें जरा हेवी दिखती ये पाव रखे तो भी जरा दल वजन दिखता है बोल को उसको मोल ले खा लूँ। इसमें 1 साइड हमें पीस लिए सो हरी चटनी इस तरह अप्लाई कर लेना। वीडियो में दिखता है इस तरह अप्लाई कर ले को। हमें पीस ले सो रेड चटनी जरी इसको डाल लेना, इस तरह लाइट सी डाल ले को। ये पाव बोल को हमें बना ले सो इसमें ऐसा रख लेना। रख ले बाद फिर ये रेड चटनी जरा के ऊपर ऐसा लाइट सी गार्निश कर लेना। हाँ ऊपर दिखता है सो इसको भी जरा ग्रीन चटनी अप्लाई कर लेना, लाइट सी ज़्यादा नहीं, लाइट सी अप्लाई कर ले को। इसके ऊपर हमें तली है सो एक हरी मिर्च इस तरह रख लेना। ये हमारा बना चुका है महाराष्ट्र स्पेशल वड़ा पाव और मुंबई स्पेशल वड़ा पाव। ये वड़ा पाव इस तरह हमने घर में बना लेने से अच्छा टेस्ट लगेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी घर में बना को तुम्हें ट्राई कर को मेरे को कॉमेंट्स में लिखो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड माई चैनल। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर दो।